देख रहे हैं अपना उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं उत्तराखंड की खबरों पर। मसूरी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके पुतले को भी फूंका। बता दें कि बंसीधर भगत द्वारा नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उबाल देखा जा रहा है। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट कर इंदिरा हृदेश से माफी मांगी है। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत जी, जो कि इस प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष है, और उन्हें बात करने की तमीज नहीं है और कोई गरिमा नहीं है कि महिलाओं का सम्मान किस प्रकार किया जाता है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जो हमारी नेता प्रतिपक्ष देश हैं उनके लिए अपमानजनक शब्द कहे, ये कहा गया कि वो बुढ़िया क्या करेगी, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है कि महिलाओं को किस प्रकार से सम्मान किया जाए। बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, महिलाओं के सम्मान की, और खुद ही बात करने की तमीज़ नहीं है। तो इसलिए आज हमने इनका पुतला फूंका है और हम ये चाहते हैं कि ये श्रीमती इंदिरा हृदेश जी से माफी मांगे। बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वो मसूरी के विकास के लिए कटिबद्ध हैं, जिसको लेकर वो लगातार कई योजनाओं के तहत मसूरी का विकास कर रहे हैं। मसूरी शहर में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर मसूरी पेट्रोल पंप के पास 212 गाड़ियों की पार्किंग बनकर तैयार होने जा रही है। वहीं उन्होंने आप पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आप पार्टी के नेता राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में आप पार्टी का स्तर बीजेपी पार्टी के स्तर से काफी छोटा है। जो नेता बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को विकास को लेकर बहस की चुनौती दे रहे हैं, उनके लिए बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता ही उनके सभी सवालों का जवाब दे देगा। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी छोटे से कार्यकर्ता से भी बहस कर लें तो उसका जवाब दे देंगे, और किसी हमारे छोटे से कार्यकर्ता को उसको हम भेज देंगे। तो ओपन बहस पे क्यों नहीं आए मदन कौशिक जो देहरादून में आए? बहस का एक स्तर होता है ना, दोस्ती और दुश्मनी बराबर की होती है। वो सिर्फ जिस पार्टी जो पार्टी दिल्ली से बाहर ना निकल पाई हो, मदन कौशिक जी एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, तो मैंने कहा ना उनके लिए तो कोई हमारा वार्ड स्तर का कार्यकर्ता कार्यकर्ता हम उसको भेज देंगे, वो जाके वार्ता कर लेगा। हल्द्वानी के फतेहपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक बाघ की मौत हो गई। बाघ की मौत की खबर मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाघ के शव को कब्जे में लिया, साथ ही टक्कर मारने वाली गाड़ी को भी कब्जे में लिया है। वन विभाग के अधिकारी अग्रिम कार्रवाई में जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये घटना फतेहपुर रेंज की बताई जा रही है। बन्नाखेड़ा रेंज के कालाडूंगी तहसील के ग्राम रतनपुर में जंगली हाथियों द्वारा पिछले कई हफ्तों से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी परेशानी है और ग्रामीणों द्वारा रात में गश्त भी की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जंगली हाथी नहीं भाग पा रहे। वहीं ग्रामीणों ने वन क्षेत्र अधिकारी को जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए अनुरोध भी किया, लेकिन वन विभाग सूचना के बाद भी मौन है। मसूरी के बांसवाला गांव के पास बरसाती नाले में एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल ने बताया कि शव लगभग 15 से 20 दिन पुराना है, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच है। फिलहाल शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। ये सिटी कंट्रोल के माध्यम से सूचना मिली कि किसी महिला का जो है शव एक कंडियाना गांव के पास 2 किलोमीटर करीब ऊपर जंगल में पड़ा मिला है। इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुंचे हैं तो देखा कि एक महिला का शव जो है छत बिछत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, शिनाख्त नहीं हो पाई। शव को शिनाख्त के लिए जो है कोरोनेशन अस्पताल भेजा जा रहा है। 72 घंटे के लिए कोरोनेशन अस्पताल में रखा जाएगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।